तो गौरजिला अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल बींग है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि सिटीज तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कई सारे पावरफुल वेपन्स का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। वो अपने आप में न्यूक्लियर रेडिएशन लेके घूमता है। तो ऐसे में क्या हो अगर कभी गौरजिला का सामना सुपरमैन के साथ हो जाए, क्योंकि सुपरमैन भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। वो अपनी पावर्स के साथ कई सारे बड़े बड़े बींग्स को हरा चुका है, कई पावरफुल थ्रेट का सामना करके उन्हें खत्म कर चुका है। तो चलिए जानते हैं कि अगर कभी गौरजिला वर्सेस सुपरमैन की फाइट होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या अपना सुपरमैन गौरजिला को हरा सकता है या नहीं। क्योंकि गौरजिला और सुपरमैन के साइज को अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ऐसे में छोटा सा सुपरमैन इतने बड़े गौरजिला को हरा पाएगा या नहीं, चलिए जानते हैं। तो गौरजिला लगभग 25,000 टन भारी है। ये लगभग 122.5 मीटर लंबा है। एक ऐसा दानव जो अपनी बॉडी के अंदर ही न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर सकता है। उसका सिग्नेचर वेपन है एटॉमिक ब्रीथ, जो कि रेड एंड ब्लू एटॉमिक हीट लेजर बीम जैसी है, जिससे कि वो किसी भी मैन मेड स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। गौरजिला के पास इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ है। वो अपनी साइज से 3 गुना बड़े मॉन्स्टर्स को बहुत ही इजीली उठा के फेंक सकता है। रफ स्किन होने की वजह से टैंक्स, गन और मिसाइल जैसे जो कन्वेंशनल वेपन्स है उससे वो इम्यून है। इन सब का उसके ऊपर कुछ भी ज्यादा असर नहीं होता है, बस चिमटे काटे इतना ही असर होता है। उसके पास रिजरेक्शन की एबिलिटीज भी है, जिससे कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो तो भी फिर से हील हो जाता है। उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए लगभग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जितना या फिर उससे भी ज्यादा पावरफुल अटैक होना चाहिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले शहरों को वो कुछ ही मिनटों में डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालांकि वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा होने के बावजूद वो बहुत ज्यादा फुर्तीला है। सुपरसोनिक जेट से अटैक की गई मिसाइल्स को वो डॉच कर सकता है, अपनी टेल से फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वही सुपरमैन की अगर बात करें तो सुपरमैन अपने आप में सुपर ह्यूमन एबिलिटीज का होस्ट है। उसके पास कई सारी पावर्स है और उसकी पावर्स के बारे में हम कई शोडाउन में बात भी कर चुके हैं। तो सीधे बात करते हैं इनके बीच में होने वाली फाइट के कंपैरिजन की और जानते हैं कि इस फाइट में कौन जीतेगा। तो गौरजिला से फाइट में सुपरमैन जीत तो सकता है, लेकिन इतना इजीली नहीं जीत सकता जितना कि हम लोग सोचते हैं। क्योंकि एटॉमिक ब्रीथ के अलावा भी गौरजिला के पास कई सारी एबिलिटीज है, जस्ट लाइक न्यूक्लियर पल्स, सुपर ह्यूमन स्पीड एंड एजिलिटी। इन सब के साथ वो काफी पावरफुल बन जाता है और उसे हराना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। गौरजिला के अगेंस्ट फाइट में सुपरमैन के पास अपनी स्पीड, अपनी फ्लाइट और साइज की वजह से एडवांटेज है। अब साइज की वजह से एडवांटेज इसलिए है क्योंकि सुपरमैन काफी ज्यादा छोटा है गौरजिला के कंपेरिजन में। तो इस वजह से गौरजिला के लिए वो बहुत ही छोटा मूविंग टारगेट है, जिसे होल्ड करना और उसे टारगेट करना गौरजिला के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। सुपरमैन अपनी हाइपरसोनिक फ्लाइट स्पीड से, फ्लाइट एबिलिटीज से गौरजिला को रिएक्ट करने के लिए एक सेकंड का भी टाइम दिए बिना उसके ऊपर पावरफुल अटैक कर सकता है। लेकिन अगर गौरजिला सुपरमैन को पकड़ लेता है तो और अपनी एटॉमिक ब्रीथ और न्यूक्लियर पल्स से उसके ऊपर अटैक करता है तो शायद वो सुपरमैन को मार सकता है। लेकिन यह सब सिर्फ एक थ्योरी है, क्योंकि ऐसा कहीं पर भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि क्रिप्टोनाइट या फिर मैजिकल अटैक से वल्नरेबल होने के अलावा वो न्यूक्लियर रेडिएशन से मर भी सकता है। हालांकि वो न्यूक्लियर रेडिएशन के इम्पैक्ट से वीक जरूर हो सकता है, बट सुपरमैन मर तो नहीं सकता, इतना फिक्स है। क्योंकि उसको सोलर रेडिएशन अगर मिल गया तो वो फिर से अपने आप को हील भी कर लेगा। तो इस बेसिस पर यह कहना सही होगा कि जो बंदा अपनी स्ट्रेंथ से प्लेनेट के ऑर्बिट को शिफ्ट कर सकता है, प्लेनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है अपने एक पंच के साथ फुल पोटेंशियल पर, वो आराम से इस बिग जायंट को भी डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है। साथ ही सुपरमैन के पास हीट लेजर बीम है, जो कि दूर से उसके ऊपर अटैक कर सकती है, एंड उसका टेम्परेचर लगभग सन के टेम्परेचर जितना है, तो वो गौरजिला के ऊपर भी असर जरूर करेगी। इसके अलावा उसकी हाइट कम है, मतलब कि गौरजिला के कंपेरिजन में, तो एक मूविंग टारगेट होने की वजह से गौरजिला उसे जल्दी से डिटेक्ट करके पकड़ भी नहीं पाएगा। सुपरमैन की स्पीड भी इतनी ज्यादा है कि वो गौरजिला को दिखेगा भी नहीं। इसके अलावा सुपरमैन के पास फ्रीजिंग ब्रीथ है, जिससे कि वो गौरजिला को परेशान कर सकता है। ओवरऑल सुपरमैन अपनी पावर्स के बेसिस पर मेरे अकॉर्डिंग गौरजिला जैसे बड़े से एक बीस्ट को फाइट में टेक डाउन करने का पोटेंशियल रखता है। वेल, यह सब तो मेरा ओपिनियन है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि इन दोनों की फाइट में कौन जीत सकता है और क्यों जीत सकता है। देखते हैं कितने लोग गौरजिला के फैन है और कितने लोग सुपरमैन के फैन है। वेल, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और किसी और दूसरे शोडाउन्स के बारे में भी अगर जानना चाहते हो तो टॉपिक सजेस्ट जरूर करना, बिकॉज यू आर सुपर बीएनपी।